शिवांगी जी सेंटर शिवांगी सेंटर हाँ वो है दूसरा इधर टर्न हो जाओ ना रुकना बस अरे मेरे को आराम से सामने सामने ओके थैंक यू मेरे को चलो बाइट बाइट जनता बाइट तो अभी कितनी तैयारियां ऊपर हो रही है और कितनी एक्साइटमेंट है आप ऑनेस्टली ऊपर की तैयारी के बारे में उससे ज़्यादा आइडिया मेरी फैमिली को है मेरे सिबलिंग्स को है इस मॉर्निंग साइड प्रेपरेशन की है वही सब कुछ देख रहे हैं मेरे लिए भी सरप्राइज है मुझे क्या कहना चाहेंगे अपने अटैक को लेकर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ब्लैक इतना सुंदर लग रहा है आपको क्या कहोगे ब्लैक इज माय फेवरेट कलर और जैसे कि मैंने मुझे हर बार कुछ डिफरेंट ट्राई करना पसंद है तो आई थिंक पहली बार ऑन माय बर्थडे आई एम वेयरिंग ब्लैक एंड या आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट बट आई लव इट शिवांगी खतरों के खिलाड़ी के लिए आपका नाम हमारे सामने आ रहा है इसे लेकर क्या कहोगी खतरों के लिए आप कितनी तैयार हैं और आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे मैं जा रही हूँ बिल्कुल जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नर्वस भी मिक्स्ड फीलिंग्स है लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट यार आई थिंक आई फील इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है इतनी अलग अलग चीज़ें जो शायद हमें हमारी नॉर्मल लाइफ में हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं मिलता है सो आई एम एक्साइटेड किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर शिवांगी बहुत ज़्यादा चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कोई एक चीज़ तो फिलहाल मैं नहीं बता पाऊँ और मैं बताना भी नहीं चाहूँगी किसी ने सुन लिया ओके लास्टली बर्थडे के आज तो बर्थडे के बाद के कुछ प्लान्स हैं क्या कुछ इस बार का डिसाइड किया है कि किस बार ये तो करना ही है मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है आधे लोग सुबह आए हैं और बाकी कल परसों आए हुए हैं एंड सो मैं उनको उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई बिकॉज आज का दिन बहुत बिजी था तो आज बर्थडे होने के बाद मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ माई लिटिल नेफ्यू इज़ ऑल्सो योर्स मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑलवेज लविंग मी फॉर सपोर्टिंग मी आई लव यू गाइस मैं आप लोगों के एडिट्स और यू नो इंस्टाग्राम पे सारे पोस्ट कॉमेंट्स सब देख रही हूँ एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग सो आई लव यू गाइस हैप्पी बर्थडे शिवांगी एंड मैं विश करूंगा लॉट्स ऑफ हेल्थ वेल्थ सक्सेस और शिवानी मैम की कोई ऐसी बात जो आपको शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग जो सबसे अच्छी बात मुझे उसकी पसंद है वो बहुत अच्छी इंसान है हाल ही में शिवानी मैम की ओर से खबर आई खतरों के खिलाड़ी में तो जाने वाले हैं क्या थी वो सिर्फ खतरों में जाने रही है वो खतरों के खिलाड़ी जीत के गए और आपको भी ऑनिंग प्रोजेक्ट मैं अभी फिलहाल बात नहीं कर सकता हूँ उसके
उसके बारे में बात करें। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। अभी ले जस्ट तो मुझे मत बता, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे। शिवांगी मैम का बर्थडे है, किस तरह सेलिब्रेशन? फर्स्टली हैप्पी बर्थडे शिवांगी, मतलब मैं उससे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, बट आई नो द बॉन्ड एंड द कनेक्शन दैट वी शेयर इज अमेजिंग, और मैंने उनके साथ काम किया है तो मतलब जब मैं उनको आउट एंड आउट जानती हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हर, शी इज डूइंग बेस्ट फॉर हरसेल्फ। सो या ओके, बर्थडे है तो किस तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है? यार डांस तो हो गए, शी इज ऑल्सो वेरी गुड डांसर, तो हम उन दोनों साथ में मिलकर खुशी खुशी डांस करेंगे। के बारे में नौकरी आ रही थी, खतरों की खिलाड़ी तरह जाने वाली है, क्या कहना चाहोगे? इसको मतलब वो आई हैव पर्सनली डन वन सीन विद हर, आई नो दैट वो किसी चीज़ से डरती नहीं है, तो इफ शी इज गोइंग शी इज जस्ट गोना किल इट फॉर शो। आई अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बताना चाहिए? अभी नथिंग राइट नाउ कंक्रीट टू से, बट आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस एंड एंजॉयिंग लाइफ। तो ओके, आगे मैं अपने फैंस से आप कुछ कहना चाहूँगा? कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। शिवांगी के साथ नहीं चाहिए, अकेले चाहिए? बाद में साथ में साथ में मिलेंगे, दोनों चीज़ दोनों चीज़ चीज़ बर्थडे के। चलिए मैम रोल करो, स्टार्ट रोल रोल साइलेंट। शायरी शिवांगी का बर्थडे है और बर्थडे के मौके पर आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। शो के बारे में अगर बात करें सुधीर की, तो ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रही है, सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जाता है, तो अगर आपको शो ऑफर की न्यूज़ भी आ रही है तो क्या कुछ कहना चाहोगे? अपकमिंग डेज में आपकी ओर से क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है? लेट्स सी यार, लेट्स गेट जस्ट आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ इट, इज स्टिल गोइंग ऑन, लेट्स सी क्या आगे क्या है। अभी तो हैव नॉट प्लान एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ लिटिल ब्रेक एंड यू नो बी रिवाइव एंड फ्रेशन अप फॉर माय शो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैम वही है, वही है। बहुत सारी खुशियाँ उसे मिले, she deserves to very very
विश की वो उसका हर दिन जो है वो बर्थडे की तरह स्पेशल हो। मैम कोई ऐसी शिवांगी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे और बहुत ही प्यारी है, हम दोनों के बहुत करीब एंड काफ़ी टाइम के बाद पार्टी दे रही है, सब फ्रेंड्स लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आई जस्ट विश की अभी आई थिंक सबको पता ही है खतरों में जा रही है, आई विश की वहाँ जाए तगड़े से लड़े और जीत के आए। मैम आप क्या कह रहे हैं? मैं उसे एक बर्थडे की बहुत सारी विशेज देना चाहूँगी, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे शी सेफ स्टे ब्लेस्ड और खतरों के खिलाड़ी जीत कर आए। कोई ऐसी बात है जो आप लोग को काफ़ी अच्छी लगती होगी? सारी बातें अच्छी हैं और जो घर परिवार के लोग होते हैं उनकी सब बातें अच्छी लगती हैं, बुरी भी अच्छी लगती है, अच्छी भी अच्छी लगती है, फैमिली है तो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे, 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 हैप्पी बर्थडे,
like a big hug. And ma'am, the Ali me want to even your best friend Anushka went there. Yes. Kya kuch kehna chahoge us par? Yeah, it is one of my favorite reality shows, and I'm really excited because this bar my 2-3 jo close friend circles hai wo ja rahe hain. So I wish everyone all the very very best and rock it up. And Ali me aapka jo ja raha hai kafi आज भी ट्रेंड कर रहा है 8 days हो गए हैं but it's still trending on 22 so thank you so much we're about to touch 12 million views in just 8 days आप लोगों ने इतना प्यार दिया है टुटिया को and ये सुन के हमारा दिल जुड़ गया thank you so much thank you भाई यहाँ पे भाई यहाँ पे देखिए ना मुझे देखा ही नहीं आपने देखो कौन एक बार मैं रखा देते हैं देखिए पहले कौन दे रहा है मेरे पास भी ऐसे हैं आपका ही लेके आया दोनों नाइस जोड़ी चलो आने दो नया जी नया जी इधर आने से यार दिस वे दिस अरे बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएंगे इसको दिखा के देंगे भाई यहां पे सेलिब्रेट यहां पे थैंक यू मैम इधर आप लोग इधर देखो बहुत भैया मैम इधर 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 मैम यहां पे आइए 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 आओ अरे ये रोहित कावा देने नया जी आइए आप लोग दे आसिम भाई शिवानी जी का बर्थडे आज क्या कुछ कहना चाहोगे किस तरह की विशेष देना चाहोगे शिवानी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे और बहुत ही प्यारी है हम दोनों के बहुत करीब है एंड काफ़ी टाइम के बाद पार्टी दे रही है सब फ्रेंड्स लोग इकट्ठे हो रहे हैं आई जस्ट विश कि अभी आई थिंक सबको पता ही है खतरों में जा रही है तो आई विश कि वहाँ जाए तगड़े से लड़े और जीत के आए मैम आप क्या कहना चाहूँगी मैं उसे एक बर्थडे की बहुत सारी विशेज देना चाहूँगी शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड शी सेव स्टे ब्लेस्ड और खतरों के खिलाड़ी जीत कर आए कोई ऐसी बातें जो आप लोग को काफ़ी अच्छी लगती होंगी सारी बातें अच्छी हैं और जो घर परिवार के लोग होते हैं उनकी सब बातें अच्छी लगती हैं बुरी भी अच्छी लगती है अच्छी भी अच्छी लगती है फैमिली है तो अच्छी लगती है थैंक यू सो मच जूम कर ले इतना जरूरी है मैम राइट मैम मैम अभी यहाँ पर देखिए मैम यहाँ पर एकदम वही जनता पार्टी कर रही है नो जूम आगे बहुत भीड़ है उधर तेरे में है ना जूम तू क्यों ले रहा है ओके टीम तुम्हें सबसे अलग चाहिए रिम जी हिंदी इधर देखो यार देख 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 देखा रिम यहाँ पर रिम रिम पीछे से वॉक करके आइए पीछे से वॉक करके आइए ना रिम जी थोड़ा वॉकिंग के वॉक थोड़ा थोड़ा वहाँ से पीछे से आइए ना वॉक करके एक वॉक करके आइए ना वहाँ से कार के वहाँ नहीं ना यहाँ पर यार इस तरफ रिम यहाँ पर रिम 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 यहाँ पर नहीं देखा रीम 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 जी हां मैं अपने लिए कहा था जाना क्या फोटो जाना अब बाजू रीम जी जाना बाजू में बाजू में हेलो बाजू से जोड़ दो हसीन भाई हेलो हेलो बड़े दिन रीम जी आ यार रीम जी आ मतलब अभी क्या है मैडम विशाल विशाल वेल बचपन से जानते शिवान जी क्योंकि उनके यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी था एंड शी इज़ गोइंग फॉर खतरों के खिलाड़ी विश हर ऑल द बेस्ट आई नो शी इज़ अ फाइटर शी इज़ अ वन ब्रेव गर्ल Well, I guess her confidence that you know how she is always confident about everything. So उनके शो पे उनके किरदार बदले उन्होंने kickboxing सीखी उन्होंने dance किया अपने शो पे जैसे वो played so many characters in these 6-7-8 years and she's always been very you know confident about those things that हाँ मैं करूँगी और उन्होंने करके दिखाया so it's the best thing about her. रीम शिवांगी तो खतरों के खिलाड़ी में जा रही है पर फैंस अब आपको भी खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में देखना चाहते हैं तो क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाइयों से पानी से मुझे
बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फोबियाज हैं, सो आई डोंट थिंक सो मैं कर पाऊंगी, बट आई वुड लव टू ट्राई. और अभी फिलहाल मना चल रहा है तो मैं उसमें बिजी हूँ, तो उसके साथ तो खतरों के बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी. एंड शो की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपके किरदार को काफ़ी सराहा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल, शो को तो बहुत सारा प्यार मिला ही है, बाकी को बहुत प्यार मिला, रस्ते को बहुत प्यार मिला है, ईशान के कैरेक्टर, हम सबको बहुत प्यार मिला है. और आज जैन का बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे जैन, उसकी भी बर्थडे पार्टी के लिए मुझे अभी जाना है. जैन को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल, इट्स अमेजिंग वर्किंग विद हिम, बिकॉज यू नो जब आपके कोस्टार के साथ की एनर्जी लेवल मैच होता है तो कहीं ना कहीं काम करना बहुत आसान हो जाता है. इज एज एंथुसियास्टिक एंड एज एनर्जेटिक एज मी ऑन सेट, सो इट्स वंडरफुल टू हैव हिम एंड आई विश हिम अ हैप्पी बर्थडे. एंड पीपल वांट टू सी यू इन रियलिटी शो, किस तरह से आप देखते हो रियलिटी शो को? वेल, रियलिटी शो फिलहाल अभी तक आई हैव नॉट लाइक यू नो गिवन इट अ थॉट, रब्ता चल रहा था 3 साल तक, नाउ दैट आई एम फना, सो आई नेवर रियली हैड द टाइम टू थिंक अबाउट रियलिटी शोज, बट लेट्स सी आफ्टर फना होपफुली. एंड व्हिच विल बी द फर्स्ट रियलिटी शो इफ यू विल पिक? लेट्स कीप दैट अ सरप्राइज. थैंक यू. मुझे कहीं और 12 बजे से पहले पहुंचना है. अरे बताओ मैम, कहाँ जा रहे हो 12 बजे? श्रद्धा जी, श्रद्धा जी इधर सेंटर, श्रद्धा जी आप श्रद्धा जी ये वाला कैमरा, श्रद्धा जी आप श्रद्धा जी इधर नहीं देखो, श्रद्धा जी यहाँ पे देखो, श्रद्धा जी श्रद्धा जी इधर नहीं देखा, श्रद्धा जी यहाँ पर ये लास्ट टाइम देख लीजिए मैम, यहाँ पे एक बार देखो. अरे आसिम पीछे ले गया. ओके मैम, आइए मैम. अरे Yeah, I'm also waiting for